मैं हूँ गीता। स्वागत है आपका गीताज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड मोदक। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, खस्ता होते हैं। आप इसे बनाकर 7 से 8 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो। तो फिर हमारे आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राइड मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम डो को रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन को गर्म करने के लिए रखा है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। घी को गर्म करने से मोदक जो है वो क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं, मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। अगर आपके पास घी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हो। ये देखिए घी हमारा यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हमें गरम गरम घी को सूखे आटे में डाल देना है। ये देखिए किस तरह से उबाल आ रहा है आटे में। घी अभी भी गर्म है इसलिए मैं इसे स्पून से मिक्स कर रही हूँ। हमें घी को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी को मैंने आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब हम आटे को इस तरह से हाथों में पकड़ लेते हैं तो इसका एक गोला बनना चाहिए। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। एक बार ही ज्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आपका आटा जो है वो चिपचिपा बन जाएगा। मोदक बनाने के लिए हमें रोटी से थोड़ा ज्यादा हार्ड आटा जो है वो गूंद लेना है। अब इस आटे में थोड़ा और पानी डाल के मैं इसे एक बार गूंद लूंगी। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 ग्लास से थोड़ा कम पानी यूज किया है। ये देखिए आटा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, हम स्टफिंग कर लेंगे। इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑफ घी डाला है। उसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ रामदाना, या फिर इसे राजगिरा भी कहते हैं, और इसे लो मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई कर लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। लो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करने से ये अच्छे से क्रिस्प बन जाते हैं। रामदाना या फिर राजगिरा हमारा यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ग्रेट किया हुआ नारियल। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप ग्रेट किया हुआ गुड़। अब इसमें डालेंगे 1 स्पून ऑफ इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। मोदक बनाने के लिए आप फ्रेश नारियल का ही यूज़ करें, उससे मोदक का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। इस स्टफिंग को हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए पका लेना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है पैन में और जल सकता है। 4-5 मिनट से ज़्यादा इसे ना पकाए, नहीं तो आपकी स्टफिंग जो है वो हार्ड हो जाएगी। मोदक के लिए नारियल की स्टफिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने स्टफिंग को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। इसके बाद हमें मोदक को तलने के लिए ऑयल को गर्म कर लेना है। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो हमारा आटा कितना सॉफ्ट बना है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से गूंथते हुए इसका एक रोल बना लेंगे। आटे का रोल हमने यहाँ पर बना लिया है। अब पेड़े के साइज का आटा लेकर इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए एक लोई हमने यहाँ पर बना ली है। इसे साइड में रख देते हैं और बिल्कुल इसी तरह से बाकी की लोइयों को भी हम बना लेंगे। ये देखिए सारी लोइयों को हमने सेम आकार में बना लिया है। अब इन लोइयों को बेल लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा डालकर। ये देखिए बेलन की बाहर की तरफ रोल करते हुए हमें इसे बेल लेना है। हमें यहाँ पर 3 से 4 सेंटीमीटर की पूरियां बना लेनी है। यहाँ पर मैं एक और लोई को बेल कर दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरी पूरी भी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी की पूरियों को भी बना लेंगे। मोदक के लिए सारी पूरियां यहाँ पर बनकर तैयार है। अब हम इनकी स्टफिंग कर लेते हैं। इसमें करीब 1.5 चम्मच स्टफिंग को डालेंगे।
अब हम इसकी प्लेट्स बना लेंगे। एक तरफ से पकड़कर छोटी छोटी प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए सारे प्लेट्स को हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब इसे सेंटर से प्रेस कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ लेंगे। एक और मोदक की स्टफिंग मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए एक तरफ से हम पकड़ लेंगे और इसके बाद छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए जाएंगे। जितनी छोटी छोटी प्लेट्स आप बनाओगे उतना ही आपका मोदक जो है वो दिखने में अच्छा दिखेगा। सेंटर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेंगे। अगर ऊपर की तरफ आटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो उसे निकाल लेंगे। दूसरा मोदक भी परफेक्टली यहाँ पर रेडी हो चुका है। सेम प्रोसेस से बाकी के मोदक भी मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। आप देख सकते हो ये कितने परफेक्ट बने हैं। अब सारे मोदक को हमें डीप फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा आटा डालकर हम चेक कर लेंगे तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं। ये देखिए आटा हमारा ऊपर आ रहा है, मतलब तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक करके सारे मोदक को हम ऑयल में डाल देंगे डीप फ्राई होने के लिए। और मोदक को फ्राई होने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 1 मिनट यहाँ पर हो चुका है। अब हम मोदक को टर्न कर लेते हैं। सारे मोदक को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। एक बार फिर से हमें मोदक को पलट लेना है। इसके बाद हमें मोदक को कंटिन्यूअसली चलाते हुए फ्राई कर लेना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे मोदक का कलर सुनहरा आ चुका है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब सारे मोदक को हम निकाल देंगे। मोदक को मैं निकाल लेती हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल को भी हमें निकाल लेना है इस तरह से। इसके बाद इसे एक किचन टॉवल पर निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोख हो जाए। बचे हुए मोदक को भी मैं यहाँ पर निकाल लूंगी। ये देखिए कितने इजीली हमारा मोदक जो है वो यहाँ पर टूट रहा है, एकदम क्रिस्पी बना है। गणेश जी के फेवरेट मोदक यहाँ पर बनकर रेडी है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।